अभी रात के 12:15 हो रहे हैं और लाइन लगी हुई है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सामने से। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी है। सिंगल लाइन है और आगे जाके ये डबल और ट्रिपल हो जा रही है मंदिर के अंदर। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और ये 1:30 बजे तक लगी रहेगी रात के। और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लोग कान्हा जी को बर्थडे विश करने 12 बजे के लिए आए हुए हैं और पहले से ही काफ़ी पैक्ड है मंदिर अंदर से और बाहर। देख सकते हैं लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। जैसे जैसे लोग भरते जा रहे हैं मीरा रोड में वैसे वैसे डिवोटीज़ की बहुत लंबी भीड़ और बहुत लंबी लाइन लगती जा रही है इस्कॉन टेम्पल मीरा रोड में। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रश होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाइन लगने लगी है हर एक फेस्टिवल पे श्री कृष्ण भगवान की। और इस्कॉन टेम्पल बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करता है, लाइन हो गया, अंदर का पूजा पाठ हो गया, खाना पीना हो गया, सब चीज़ आप देख सकते हैं। सामने आपको चप्पल स्टैंड दिख जाएगा, जूता चप्पल स्टैंड, वहाँ पे भी डिवोटीज़ लगे हुए हैं सेवा करने के लिए। और ये हमारा गेट बोलो तो सुंदर सजा हुआ गेट, और आप देख सकते हो बहुत दूर तक ये लाइन लगी आ रही है। मैं आपको दिखाने के लिए ये ब्लॉग बनाया, रात के 12:15 बज रहे हैं और 12:15 बजे भी आपको देख के नहीं लग रहा होगा कि इतनी भीड़ हो रही है मुंबई मीरा रोड में और बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा है। मैं आपको आगे अपने घर पे ये सोसाइटी रख के आपको दिखाऊंगा कि कितना रश हो रहा है। और मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा सजाया गया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजाया गया है, देखते ही मज़ा आ जा रहा है। देखिए लाइटिंग कितनी सुंदर की गई है इस्कॉन मीरा रोड टेम्पल पर। और आप देख सकते हैं कि रश जो है बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये टेम्पल इस्कॉन टेम्पल। ये देखिए कितने धैर्य से और अच्छे से लोग खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। अभी लाइन रोक दी गई है क्योंकि 12 बजे के बाद चालू की गई होगी, जो 12 बजे से पहले अंदर आ गए बाकी लोग बाहर खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि एकदम लाइन जो है स्थिर है, बोला चल नहीं रही है, सब यहाँ पे स्थिर हैं। और आगे गेट पे रोक दिया है, जो अंदर है उनको दर्शन करने के बाद फिर यहाँ पे 12:15 बजे का लाइन चालू होगी। और जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं इस्कॉन टेम्पल को मैंने अपने आँखों से बनते देखा है, बोला था जब यहाँ पर इतना बड़ा टेम्पल नहीं था, उससे सिर्फ 1-2-3 कमरों में छोटा सा टेम्पल था ये, और मेरे आंखों के सामने ये बना है। और धीरे धीरे यहाँ पे इतने डिवोटीज़ आते जा रहे हैं, इतने डिवोटीज़ आते जा रहे हैं कि कह नहीं गया, देख के बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरि बोल। और जन्माष्टमी आने से पहले से ही ये लोग बहुत अच्छे से साफ सफाई कर रहे थे पूरे टेम्पल की। बारिश जा रही थी हल्की हल्की सी और ये लोग सफाई में लगे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से रश आ रहा है और ये देखिए लाइन रोक दी गई है, बिल्कुल एकदम स्थिर है और पब्लिक आ रही है, कंटिन्यू पब्लिक आ रही है। इतनी पब्लिक आ रही है जो मैंने आज तक नहीं देखी जन्माष्टमी वाले दिन। रथ यात्रा में भी इस बार जो पब्लिक थी बहुत ज़्यादा थी, लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा बढ़ती आ रही है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन लगाई हुई है उन लोगों ने बाहर, और आप देख सकते हैं अंदर के दर्शन कराए जा रहे हैं बाहर के लोगों के लिए, अंदर का लाइव चल रहा है स्क्रीन पर। और आप देखिए कि यहाँ पर लोग बाहर खड़े होकर ही यहाँ पर सिर झुका के ही वापस चले आ रहे हैं क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। और अभी 12:15 बज रहे हैं और देखिए लगातार पब्लिक आ रही है। और अंदर टेम्पल बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। मैं अगले दिन बोल रहा था कल जाऊंगा, जन्माष्टमी के अगले दिन जाता हूं क्योंकि रश बहुत होता है तो अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं। और कई लोगों से सुना भी था कि लोग फ़ोटोज़ भी अपनी क्लिक नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना रश है अंदर। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है, बहुत अच्छा क्राउड है। आप देख सकते हैं कि अब कल्पना कीजिए श्री कृष्ण भगवान की कितने डिवोटीज़ है, सबको वो प्यार करते हैं। अभी टाइम आएगा तो मैं यहाँ की एक स्टोरी सुनाऊंगा, मेरे से रिलेटेड है, आज से 10 साल पुरानी। तब मैंने एक श्री कृष्ण भगवान से मन्नत मांगी थी छोटी सी, तो उन्होंने हाल के हाल 1 घंटे के अंदर ही पूरी कर दी थी। ये बहुत लंबी स्टोरी है पर है छोटी सी स्टोरी, कभी टाइम आएगा तो मैं सुनाऊँगा। बट आप यहाँ पर दर्शन कर लीजिए बाहर से ही। और आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।